हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सॉयल फॉर्मेशन के बारे में ये एक और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आप देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो बायोटा है कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस का, वो उस जगह पर सॉयल फॉर्मेशन पे क्या प्रभाव डालता है। तो इसमें देखें, सबसे पहली बात कि जितने ज़्यादा सॉयल ऑर्गेनिज़म्स होंगे, सॉयल ऑर्गेनिज़म्स मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स, चाहे वो प्लांट्स हों, माइक्रोब्स हों या एनिमल्स हों, जो सॉयल में वर्क करते हों, मतलब सॉयल उनसे प्रभावित होती हो, जिस तरह से आपका अर्थवॉर्म है, केंचुआ जिसको हम कहते हैं, तो केंचुए को आप देखते होंगे कि वो सॉयल के अंदर नीचे तक जाता है, नीचे से पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है, मतलब उन सॉयल के और ऑर्गेनिक मैटर के पार्टिकल्स को लेता है, अपने शरीर में धारण करते हुए फिर उनको इस फॉर्म में बाहर निकालता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स को हम सॉयल ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। तो जितने ज़्यादा सॉयल ऑर्गेनिज़म्स होंगे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर सॉयल में होगा। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बायोकेमिकल वीदरिंग उतनी ज़्यादा मात्रा में होगी। प्रोफाइल मिक्सिंग होगी। देखिए, प्रोफाइल मिक्सिंग और बायोकेमिकल वीदरिंग, इन दोनों को मैं समझाता हूँ। बायोकेमिकल वीदरिंग का मतलब ये है कि जो बायोटा है उसकी वजह से जो वीदरिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेड़ हैं आपके, कहीं रॉक स्ट्राटा में लगे हुए हैं, पहाड़ों पर लगे हुए हैं या वैसी ज़मीन पर लगे हैं जहाँ की ठोस रॉक्स हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ अपनी जड़ें रॉक स्ट्राटा में इस ढंग से अंदर तक पहुँचाते हैं कि वो उनके बीच में गैप उत्पन्न करते जाते हैं। तो ये फिजिकल वीदरिंग का ही एक प्रकार हो गया। वो धीरे धीरे चट्टाने जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होती जाती हैं। दूसरे, जो उनकी जड़ें जाती हैं उनमें कैटायन रिलीज होता है, कैटायन साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, वो कैटायन रिलीज करते हैं, फिर कैटायन एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल में से, तो वो केमिकल वीदरिंग को प्रमोट करते हैं। तो बायो जियो केमिकल वीदरिंग या फिजिकल वीदरिंग सब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस प्रकार रिलेटेड है। एनिमल्स का मैंने बताया ही, अर्थवॉर्म का, उसके अलावा और एनिमल्स जो हैं वो भी इस तरह करते हैं, जैसे प्रेरी डॉग है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि जो बिल बनाते हैं वो नीचे के प्रोफाइल को ऊपर ले आते हैं। प्रोफाइल मतलब लेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओ है, ए है, ई है, बी है, ये इनको मास्टर हॉरिजन्स कहते हैं। और प्रोफाइल मिक्सिंग का मतलब ये है कि इन हॉरिजन्स के मैटर एक दूसरे में मिक्स हों। फिर देखिए अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो जैसे हमने बताया था, न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो खासकर जैसे पेड़ की जड़ें हैं तो कुछ पर्टिकुलर कैटायंस हैं उनको बराबर वो एब्जॉर्ब करती हैं, जो और जिन कैटायंस को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं वो कैटायन पानी के साथ नीचे की लेयर्स में बह जाते हैं, इसको लीचिंग कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जो शंकुधारी वन जिनको कहा जाता है, जैसे टैगा है आपका, जो आपके शीतोष्ण जलवायु में होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि उन पेड़ों की जड़ों में जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के कैटायंस को वो नहीं ले पाते हैं, उनकी साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है कि ये कैटायन बह जाते हैं लीचिंग के द्वारा नीचे की लेयर्स में, ठीक है। और वो नीचे की लेयर्स में बहने का ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है कि सॉयल एसिडिक हो जाती है। तो आप देखें कि जो डेसीडुअस फॉरेस्ट हैं, जैसे कि भारत का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो डेसीडुअस यानी कि पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है, तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये कैटायन की साइकिलिंग अच्छे से करते हैं, इसलिए यहाँ की सॉयल एसिडिक नहीं होती। तो दोस्तों,
इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का सॉयल फॉर्मेशन पे और सॉयल पे ओवरऑल इफ़ेक्ट आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे लाइक फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। आगे के वीडियोस में मैं वैसे ही एक एक फैक्टर्स लेके छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा। मेरा लक्ष्य है वीडियो छोटे से छोटा हो ताकि आप उसको ईज़िली देख सकें, रिवाइज़ कर सकें एक एक टॉपिक को। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।